मेरे बच्चे तो मुझे सरप्राइज करने में ही एकदम लगे रहते हैं। आज फिर लग रहा है कुछ लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्या लेके आए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? सुबह हो गई और मंदिर की साफ सफाई भी करनी रहती है। मैं रोज़ रोज़ अपने ठाकुर जी को शाम को शयन कराने के बाद सारा मंदिर साफ करके रखती हूँ, लेकिन कल बच्चों ने मेरे ठाकुर जी को शयन कराया तो उन्होंने सब ऐसे छोड़ दिया, तो सुबह थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ गया, पर कोई बात नहीं। तो मैं अपने लाला को उठाऊँगी, इसके बाद उन्हें बढ़िया से अच्छे अच्छे कपड़े पहना दूँगी, इत्र लगा दूँगी और इसके बाद आरती पूजा उनकी करूँगी। मैंने इस समय तुलसी मैया नीचे रख ली है क्योंकि मौसम थोड़ा सा कोहरे जैसा हो रहा है ना, तो लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि सूख जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी तुलसी जो ऊपर रखी है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा पौधा है तो थोड़ा सा डर था मन में। तो अब मेरी आरती पूजा हो गई है, मैंने पूरे घर में दीपक दिखाया कि मेरी आदत है कि मैं आरती करने के बाद बच्चों के कमरों में, उनकी पढ़ाई लिखाई के स्थान पर, किचन में, सब जगह में दीपक ज़रूर दिखाती हूँ और फिर बैठ के कुछ पाठ किया करती हूँ। तो अब मैं पाठ करूँगी फिर जाऊँगी मंदिर। बाजार से ना 5 किलोमीटर लाया करो। 50 किलो का है, 5 किलो लाया करो। खत्म करके ये सब तुम ना रात में उठ के खाते हो क्या? मेरे बच्चों को ना मटर बहुत पसंद है। किशन तो फूल गोभी ना सूखी खा जाता है, छुपा के रखनी पड़ती है, पक जाती है ना कीवी बिल्कुल एकदम मुलायम, तो छीलती बहुत अच्छी है। तुम्हारी बोतल निकाल दी बेटा, पानी भर पीने के लिए। हमारे मोहल्ले में कभी चोरी वोरी नहीं होती, बहुत अच्छा, कुछ भी सामान पड़ा रहता है कोई दिक्कत नहीं होती। पर पता नहीं क्या कारण है भाई की, एक तो पीछे से खुला हुआ है, सर्दियों का सीजन है, परिस्थितियां रोज का रोज बदलती हैं। देखो मैं भी जल्दी स्कूटी बना लूँ, बेटा भी देखो बाहर क्या हो गया है। मोहल्ले में चोरी हो गई, मैं भी देखूँ क्या हो गया, कौन आने लग गया, क्या हो गया, क्या हो गया, किसने क्या चुरा लिया? लोहे का पटला जिससे पटला उठता है ऊपर, वो चोरी हो गया। लोहे का पटला 10,000 रुपए का कहाँ, ट्रैक्टर कहाँ चला गया? चुप रहो तुम, लकड़ी की पटिया थी क्या? तो कोई तापने के लिए ले गया होगा। आज नाश्ते में है बेसन की पूड़ियाँ, तो अब हम लोग सब चाय के साथ डुबो डुबो की पूड़ी खाएंगे। वैसे चाय के साथ डुबो की पूड़ी खाने मज़ा आता है। न्यूज़ में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, शायद टीचिंग पे है, तो भी हम लोग खाना ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा डिस्कशन उसके बारे में भी करेंगे, क्योंकि खाना खाते खाते ना हम लोग नाश्ता करते करते हम लोग सुनते भी जा रहे हैं क्या है। और मेरी आदत है कि कोई भी बात सुनने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ ज़रूर बातें करती हूँ। जो टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो बच्चे उसको सुन रहे हैं, उसने किताब से पढ़ा दिया, देख देख के सारा लिख दिया, समझा दिया। अब उस पर क्या होता है कि अब बीच में कोई दूसरा आ गया, उसने किताब बंद कर दी और उसने पूरी कहानी, अकबर की पूरी कहानी उसने मौखिक बता दिया, मतलब मुंह से बता दिया कि ऐसे ऐसे ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ, वो इतना इंटरेस्टिंग उसको बना दिया कि बच्चे के ना माइंड में सेट हो गया कि नहीं नहीं इन्होंने तो पूरी कहानी समझा दी लेकिन किताब में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, इन्होंने यही पढ़ा दिया। लेकिन जो ये सारा के जिन्होंने पढ़ाया है तो ये इतना अच्छा पढ़ा दिया कि मतलब अब किताब खोलने की जरूरत ही नहीं। तो ये क्या है, तो ये असर बच्चों का टीचर पे भी पड़ता है और टीचर का असर बच्चों पे भी पड़ता है। वो यही चीज समझा रहे थे कि सर क्या मैं इस तरीके से पढ़ा के गलत कर रहा हूँ कि जैसे किताब में लिखा है बस उतना ही पढ़ा के चला हूँ, या मैं जो चीजें एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज क्या मैं गलत कर रहा हूँ। वो ये चीज थी, इसी चीज के बारे में इतना सारा डिस्कशन चल रहा था। Thank you.
जब तक बच्चे कॉलेज से पेपर दे के आएंगे तब तक मैं भाजी काट लेती हूँ। आज भाजी और बाजरे की चुंडी की रोटी बननी है। थोड़ा मक्खन रखा है वो भी निकाल लेती हूँ। इसके बाद फिर बैठ के दो मिनट बैठ के सुकून में चाय पीऊँगी, क्योंकि थकान हो जाती है ना सुबह एक कप चाय पीने के बाद, दोपहर में मन करता है कि फिर से एक कप पी लूँ। और जब तक चाय ख़त्म होगी तब तक घी भी कंप्लीट हो गया, बन के तैयार हो गया, तो उसे भी छान के ढक के रख देती हूँ। आज मैंने बनाया है चने की भाजी और गेहूँ की रोटी बनाई है, और इसकी ज्वार की भी रोटी बनाऊंगी। तो फिलहाल तो बच्चे आने वाले, फ़ोन किया अभी कि मैम समोसा और छोला लेके आ रहे हैं, तो मुझसे बोले हमने कल ले आओ। बोले खाना बनाया क्या आपने? हमने कहा नहीं अभी नहीं बनाया। मैंने छूट कह दिया कि नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं कह देती लेके आया खाना बना लिया तो वो फिर सोचते कि चलो नहीं ले जाते। पर मुझे भी छोला समोसा खाना पसंद है, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। तो अभी मैं जल्दी फटाफट रोटी बना लेती हूँ और फिर और इसके बाद फिर खाएंगे अपने बच्चों के साथ छोले और समोसे। तो जब मैं बाकी बिहारी दर्शन करने जाती हूँ तो खूब सारा सज संवर के बालों में कलर भी करूँगी, और मुझे दो दिन बाद जाना है, तैयारियाँ काफ़ी हैं, तो बालों में कलर करूँगी और बढ़िया से साड़ी पहन के ठाकुर जी के दर्शन करने जाऊँगी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जिस दिन से मेरा टिकट हुआ जाने का उस दिन से मेरे मन बहुत खुश है कि नहीं, पिछली बार पिछले महीने नहीं जा पाई थी मैं, मेरे हस्बैंड अकेले गए थे, मैं नहीं जा पाई, तो मुझे बहुत टेंशन था कि मैं क्यों नहीं गई, मैं क्यों नहीं गई। बट इस बार मुझे जाने का मौका मिल गया तो अब मैं जाऊँगी। तो अभी तो साड़ियाँ निकालती हूँ चल के, कौन सी पहननी है, क्या पहननी है, कैसे क्या है, और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया ना तो ऐसे चली जाऊँगी, जो भी होगा फिर वहीं पर खरीदूँगी कोई लहंगा ओढ़नी और वही पहन के बिहार जी दर्शन करने जाऊँगी, तो वो तो वहीं निश्चित होगा ना कि क्या है क्या नहीं। तो अभी मैं साड़ी निकालती हूँ, मेरे बच्चे आने वाले तो उनके साथ मैं लेके आ रहे छोले और समोसे, तो हम लोग बैठ के पहले छोला समोसा खाएंगे उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे। भैया हमारे लिए छोला समोसा बहुत बढ़िया बनाते हैं वो लोग। कितनी देर रुकना पड़ा था बेटा? सिर्फ 5 मिनट। इस बार मैं अपनी शादी की साड़ी पहन के जाऊंगी, बिहारी जी पहन के नहीं जाऊंगी, वहीं पे पहनूंगी, इसलिए उसे धुल के डाल देती हूँ, बढ़िया से प्रेस कर लूँगी, इसके बाद जब दर्शन करने जाऊँगी ना तब मैं पहन के जाऊँगी। ये साड़ी हमारी चढ़ाई थी, हमारी शादी में साड़ी चलती नहीं है ऐसी। अरे हट, हमारी शादी में चाची 21 साड़ी चढ़ी थी और सब इसी कपड़े की साड़ियाँ चढ़ी थी। ये तो बड़ा उत्पात मचा है, कहाँ है चलो भैया कपड़े धुल दूँ मैं अपनी साड़ियाँ। मैंने चाहे पूजा में ही क्यों ना एक घंटे के लिए साड़ी पहनी हो, लेकिन अगर मैं बाकी बिहारी के दर्शन करने जाऊंगी तो फिर वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, एक भी बार उसे इस्तेमाल ना किया गया हो। कोशिश करती हूँ कि नया कपड़ा ही पहन के जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं इस बार नया कपड़ा नहीं है, सूट वगैरह है लेकिन सूट पहनने की जाने की इच्छा नहीं है, तो मैं साड़ी ही पहन के दर्शन करने जाऊँगी। सो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।